बच्चों, हिंदी में हम इकाई 6 टपका का डर का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें आज हम अभ्यास और स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले है मुहावरे, जिसमें पहला है झुंझला उठना। झुंझला उठना का अर्थ है क्रोधित होना। याद करिए, बुढ़िया कब झुंझला उठी थी। इसका आप वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि बारिश के पानी के टपकने की वजह से बुढ़िया झुंझला उठी। इस प्रकार आप दूसरे वाक्य भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। दूसरा, सिर पर पैर रखकर भागना, यानी कि तेज गति से भागना। जब बाघ ने बुढ़िया की बातें सुनी थी, तब वह सिर पर पैर रखकर भाग गया। तो आप इसी प्रकार से दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। अब हम अभ्यास देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि यह प्रश्न आपको सिर्फ चर्चा करने के लिए दिए गए हैं, नोटबुक में लिखना नहीं है। इसकी चर्चा आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन या दादा दादी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है। तो आप छुट्टियों में अपने गांव जाते हैं, या तो फिर आप लॉकडाउन में बहुत टाइम पर वहां रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां पे सारे घर एक ही प्रकार के नहीं है, सब अलग अलग प्रकार के हैं। तो वह कौन कौन से प्रकार के हैं, उसकी आपको चर्चा करनी है। जैसे कि कोई ईंटों से बने हैं, कोई सीमेंट से बने हैं, कोई झोपड़ी जैसे लकड़ियों और घास से बने हैं, तो इसकी चर्चा आपको करनी है। दूसरा, तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है। क्या क्या लगता है घर बनाने के लिए? सीमेंट, रेती, पानी और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या है वह आपको सोचना है। तीसरा, छप्पर किन किन चीजों से बनता है। छप्पर यानी कि घास फूस व लकड़ियों से बनी हुई छत। तो छप्पर किन चीजों से बनी हुई है? घास फूस व लकड़ियां। चौथा, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। क्या होता है बरसात के मौसम में? मोर नाचते हैं, आसपास में कीचड़ होता है, बच्चे नहाने जाते हैं, और क्या क्या होता है वह आपको अपने हिसाब से सोचना है। पांचवा, ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो। आपको तो मजा आ जाता होगा अगर बर्फ बेल जैसे हमारे घर पे, छत पे, हमारे आसपास सब जगह पर पड़ने लगे, तो आप क्या करोगे? नहाने जाओगे या फिर लगने के डर से नहीं जाओगे? आप क्या करोगे वह आपको अपने भाई बहन के साथ चर्चा करनी है। आगे छठा, ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है। जैसे कि हमने देखा कि बाघ जंगल में था और ओले पड़ रहे थे तो उसको लग रहा था, वैसे ही सभी प्राणियों को भी लगता होगा। और भी क्या नुकसान होता है वह आपको सोचना है। सातवां, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं। जब गांव में जाते हैं हम, तब मम्मी या आंटी रोटियां बनाती है, वह चूल्हे में बनाती है। वह चूल्हा तो आपने देखा होगा। उसके अलावा भी बहुत सारे चूल्हे होते हैं, जैसे कि हम कभी कभी बैंगन या कुछ और चीजें सिकने के लिए सगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हम हमारे घर पे जो रसोई बनाते हैं वो गैस सिलेंडर, उसे भी चूल्हा कहा जाता है। और कौन कौन से इलेक्ट्रिक चूल्हा भी होता है, इसके अलावा कौन कौन से चूल्हे हैं वह आपको चर्चा करनी है। आठवां, जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं। जंगली प्राणी सारे कहाँ रहते हैं? जंगल में, जैसे कि शेर, भेड़िया, वरु और कौन कौन से प्राणी है वह आपको याद करना है। नौवां, बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है। झुंझलाना यानी कि गुस्सा होना। एक तो बुढ़िया बहुत गरीब थी, इसलिए पहले से ही बहुत सारा कष्ट था,
ऊपर से बारिश के मौसम में उसके छप्पर में से पानी टपकता था, इसलिए वह ठीक से रसोई भी नहीं बना सकती थी, इसीलिए बुढ़िया झुंझला रही थी। दसवां, बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? सिर पर पैर रखकर भागना यानी कि बहुत तेज गति से भागना। बाघ ने बुढ़िया की बात सुनी कि वह तो बाघ से भी नहीं डरती, सिर्फ टपका से डरती है। यह बात सुनकर बाघ ने सोचा कि बुढ़िया मुझसे नहीं डरती है, टपका से डरती है, तो टपका तो बहुत बड़ा जानवर होगा। यह बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। प्रश्न दो, जंगल में और क्या क्या भीग रहा है सूची बनाइए। तो जंगल में और बहुत कुछ भीग गया होगा, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, छोटे छोटे जीव जंतु, और भी क्या भीग गया होगा वह भी आपको सोचकर लिखना है। अब हम स्वाध्याय देखेंगे, जिसमें प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यह प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला, बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया जंगल में रहती थी। दूसरा, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। तीसरा, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। चौथा, पानी टपकने की आवाज कैसी थी? पानी टपकने की आवाज थी टप टप। पांचवा, बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था। छठा, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। प्रश्न दो, निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए, यानी कि आपको मोर, बाघ और तोता के बारे में 5-7 वाक्य लिखने हैं। सबसे पहले हम मोर के बारे में देखते हैं। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है, इसके माथे पर कलगी होती है, इसके पंख रंग बिरंगी होते हैं, इसकी आवाज मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर म्याव म्याव करता है, बादल देखकर मोर नाचने लगता है, मोर पेड़ पर रहता है, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इस तरह से आप अपने हिसाब से भी वाक्य लिख सकते हैं। दूसरा है बाघ। बाघ एक जंगली जानवर है, वह सिंह की तरह भयानक होता है, उसका रंग गहरा पीला होता है, उसके शरीर पर काली धारियां होती है, वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है, बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है, बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। तीसरा, तोता। तोता एक सुंदर पक्षी है, इसका रंग हरा होता है, इसके गले में काली धारी होती है, इसकी चोंच लाल होती है, वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। तोते की आवाज मीठी होती है, लोग इसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। प्रश्न तीन, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। यहाँ पर किसका चित्र दिख रहा है आपको? मेले का। सही है, तो इसके बारे में आपको 10 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि यह मेले का चित्र है, मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई है, मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं।
मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। दो चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मजा उठाते हैं। एक और दो घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का मजा भी उठा सकते हैं। प्रश्न चार, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पर 6 चित्र दिए गए हैं। उन सभी चित्रों को आपको ध्यान से देखना है और अपने हिसाब से कहानी लिखनी है। मैं यहाँ पे कहानी दे रही हूँ, पर आपको पहले अपने हिसाब से लिखना है, बाद में ही उसे देखना है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण में दिया है बिल्ली बिल्लियाँ, यानी कि एक बिल्ली है तो हम उसे बिल्ली कहेंगे, पर एक से ज्यादा है तो उसे बिल्लियाँ कहेंगे। बिल्लियाँ बिल्ली का बहुवचन है, तो हमें एक वचन और बहुवचन में वाक्य बनाने हैं। पहला है मेरे घर में बिल्ली है। दूसरा बिल्लियाँ से बनाना है, मेरे घर में बिल्लियाँ है। इसी प्रकार मक्खी का बहुवचन होगा मक्खिया, लड़की का बहुवचन होगा लड़किया, रोटी का बहुवचन होगा रोटिया, चूड़ी का बहुवचन होगा चूड़िया। तो आपको इसके हिसाब से वाक्य बनाने हैं। अगले वीडियो में हम एक नए इकाई के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।